दोस्तों आज की इस वीडियो के लिए लेकर आए हैं वाईपीएल और क्रिकेट दुनिया के बड़ी अपडेट्स। मुंबई इंडियंस की आईपीएल की तैयारी शुरू, यॉन मॉर्गन ने क्यों लिया संन्यास, धोनी पर बड़ी अपडेट, भारत का इस साल का एफटीपी प्रोग्राम, आईपीएल 2023 में लौटेंगे हैं बड़े सितारे, रोहित शर्मा पर बड़ी अपडेट और भी ढेर सारे अपडेट्स आईपीएल और क्रिकेट की दुनिया से आपको बताने वाले हैं। और बस आपको आराम से पूरा वीडियो अंत तक देखना है दोस्तों, के लिए वीडियोस रोज लाते हैं और हमारे आईपीएल अपडेट सीरीज का 492वां वीडियो है। और यदि आप हमारे चैनल का सनी है तो बिना देर किए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। चलिए देखते हैं अपना सबसे पहला अपडेट। दोस्तों हमारी सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है भारत और आयरलैंड के बीच चल रहे सीरीज को लेकर। कल भारत और आयरलैंड के बीच दूसरा T20 मुकाबला खेला गया जिसमें भारतीय टीम ने आयरलैंड की टीम को 4 रन से हरा दिया और सीरीज पर 2-0 से कब्जा कर लिया। पहले T20 मुकाबले में जीतने के बाद दूसरे T20 मुकाबले में उम्मीद था कि भारतीय टीम आराम से आयरलैंड को हरा देंगे, लेकिन भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करने के बाद 225 रन बनाए और इतने सारे रन होने के बावजूद भी भारतीय टीम को इस रन को डिफेंड करने में पसीने छूट गए और आयरलैंड इस मुकाबले को लगभग जीत चुके थे, लेकिन अंतिम के ओवर में उमरान मलिक ने अच्छी गेंदबाजी की और भारतीय टीम को हार से बचा लिया। इस मुकाबले में सबसे ज्यादा इंप्रेस किया दीपक हुड्डा ने, जिन्होंने T20 क्रिकेट में शतक लगाया और चौथे ऐसे भारतीय बन गए जिन्होंने T20 क्रिकेट में शतक लगाया हो और मैन ऑफ द मैच भी बने और प्लेयर ऑफ द सीरीज भी बने। इसके साथ ही संजू सैमसन ने भी काफी ज्यादा इंप्रेस किया और आयरलैंड के दौरे पर ज्यादातर खिलाड़ी भारत वापस चले जाएंगे और बाकी जो बचेंगे वह इंग्लैंड के साथ सीरीज के लिए रवाना होंगे, जिसकी अपडेट आपको हम देते रहेंगे। चलिए देखते हैं अपना दूसरा बड़ा अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है मुंबई इंडियंस की तरफ से, जहां पर आपको बता दें कि मुंबई इंडियंस की टीम आईपीएल 2023 की तैयारी शुरू करने वाली पहली टीम बनने वाले हैं। मुंबई इंडियंस की टीम अपने अनकैप्ड खिलाड़ियों के लिए 3 से 4 सप्ताह का इंग्लैंड का टूर करवाने वाले हैं, जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि उनका ट्रेनिंग कैंप रहने वाला है। और वहां पर मुंबई इंडियंस के अनकैप्ड खिलाड़ी जैसे कि तिलक वर्मा, कुमार कार्तिकी, रमनदीप सिंह, ऋतिक सौगिन इत्यादि, यह सभी इंग्लैंड के फैसिलिटीज इसका इस्तेमाल करेंगे और वहां पर लगभग 10 T20 मुकाबला खेलेंगे जो अलग अलग क्लब होते हैं इंग्लैंड के उनके साथ। और इस दौरे में मुंबई इंडियंस के हेड कोच महिला जयवर्धने भी मौजूद रहेंगे जो भारतीय खिलाड़ियों का प्रोग्रेस को नोट करेंगे। और इसके पीछे वजह बताया जा रहा है कि जो बड़े खिलाड़ी हैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट तो खेल रहे हैं जैसे कि रोहित शर्मा वगैरह, लेकिन अब डोमेस्टिक क्रिकेट खत्म हो गया है भारत में तो अनकैप्ड खिलाड़ियों को रिदम में रखने के लिए ऐसा कदम उठाया जा रहा है। और यह जो 10 मुकाबले होंगे उसे हम अपने टेलीग्राम चैनल पर टेलीकास्ट करेंगे और अपडेट करते रहेंगे। तो अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए देखते हैं अपना तीसरा बड़ा अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है इंग्लैंड के खिलाड़ी इयान मॉर्गन की तरफ से। आपको बताना चाहेंगे इयान मॉर्गन पिछले 1 से 2 साल से बहुत ज्यादा खराब फॉर्म में गुजर रहे थे और जिसकी वजह से उन्हें आईपीएल 2022 में किसी टीम ने नहीं चुना था। और इतना ही नहीं, वह अपनी चोट से भी बहुत ज्यादा परेशान थे और जिसको देखते हुए इयान मॉर्गन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है और जिसकी आधिकारिक घोषणा उन्होंने कल ही कर दी। हालांकि इसके कयास पहले भी लगाए जा रहे थे लेकिन अब यह कन्फर्म हो चुका है। हालांकि आपको बता दें कि भले ही वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं लेकिन आईपीएल खेल सकते हैं, अपना नाम दे सकते हैं। इंग्लैंड का वर्ल्ड कप जिताने वाले इस कप्तान ने नीदरलैंड के साथ 3 पारियां खेली और तीनों में वह 0 पर आउट हो गए थे और उसके बाद ही उन्होंने यह फैसला सबके सामने लाया। चलिए देखते अपना चौथा बड़ा अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है रोहित शर्मा की तरफ से, जहां पर आपको हम बता दें कि रोहित शर्मा को फिलहाल में कोरोना हो गया था और वह क्वारंटाइन कर रहे थे और लेटेस्ट खबरों के मुताबिक वह रिकवर हो रहे हैं और लगभग रिकवर भी हो चुके हैं। और यह रोहित शर्मा के फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी है और उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना एक फोटो भी डाला है जहां पर उन्होंने रिकवरी की अपडेट भी दी है। इसके साथ ही आज या कल तक में यह कन्फर्म हो जाएगा कि रोहित शर्मा 5वां टेस्ट मुकाबला का भाग रहेंगे कि नहीं। आपको बता दें कि 1 जुलाई से 5वां टेस्ट मुकाबला खेला जाने वाला है और इसकी कन्फर्मेशन बीसीसीआई कर देंगे। वैसे आपको बता दें यदि रोहित शर्मा नहीं रहेंगे तो जसप्रीत बुमराह कप्तानी करेंगे और इसकी जगह पर रिप्लेसमेंट के तौर पर मयंक अग्रवाल ऑलरेडी इंग्लैंड पहुंच चुके हैं, जिसकी अपडेट हमने आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर बहुत पहले दे दी थी। चलिए देखते हैं पांचवा बड़ा अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है महेंद्र सिंह धोनी की तरफ से। आपको बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी आमतौर पर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते नहीं है और अपनी ही दुनिया में मस्त रहते हैं, जिसकी वजह से फैंस उनके एक झलक के लिए काफी ज्यादा इंतजार में रहते हैं कि वह क्या कर रहे हैं, कहां पर हैं। तो ऐसे में आप स्क्रीन पर एक फोटो देख सकते हैं जहां पर महेंद्र सिंह धोनी चाय या कॉफी पी रहे हैं और यह फोटो बहुत ज्यादा ट्रेंड भी कर रहा है, जिसे साक्षी धोनी ने अपने इंस्टाग्राम पर डाला था और उसके कुछ देर के बाद उसे डिलीट कर दिया था। और आपको बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी बहुत जल्द चेन्नई सुपर किंग्स के मैनेजमेंट से मीटिंग करने वाले हैं और वहां पर डिस्कस करने वाले हैं आने वाले ऑक्शन को लेकर और इसके साथ ही ट्रेड को लेकर भी तरह तरह की डिस्कशन की जाएगी। इसकी जानकारी आपको हम देते रहेंगे, तो हमारे साथ आप बने रहें। चलिए देखते हैं अपना छठा बड़ा अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है भारत का न्यूजीलैंड दौरे को लेकर, जहां पर आपको बता दें कि नवंबर के महीने में भारत और न्यूजीलैंड के बीच हमें व्हाइट बॉल सीरीज देखने को मिलेगा। भारतीय टीम न्यूजीलैंड के साथ 3 T20 मुकाबले और 3 वनडे मुकाबले खेलेंगे। भारतीय टीम 2 साल के बाद न्यूजीलैंड का दौरा करने वाले हैं। 18 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक यह सीरीज हमें देखने को मिलेगा और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि न्यूजीलैंड की टीम भी भारतीय टीम का दौरा करेंगे जनवरी के महीने में। और इस तरह से भारतीय टीम अभी इंग्लैंड के साथ खेलेंगे, उसके बाद फिर एशिया कप होगा, उसके बाद फिर वर्ल्ड कप होगा, उसके बाद फिर न्यूजीलैंड के साथ सीरीज होगा। यानी कि क्रिकेट का मेला सा लगा रहेगा जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने वाला है आने वाले महीनों को क्रिकेट के लिहाज से, और जिसकी सारी अपडेट और सारी जानकारी आपको हम देते रहेंगे, तो हमारे साथ आप बने रहें। चलिए देखते हैं अपना सातवां बड़ा अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है क्रिस गेल की तरफ से। आपको बताना चाहेंगे क्रिस गेल वेस्ट इंडीज में जो नया क्रिकेट का टूर्नामेंट होने वाला है जिसका नाम द 60 रहेगा, उसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। और इस मुकाबले के बारे में हमने आपको पहले ही बताया कि 24 से 28 अगस्त तक यह मुकाबला होगा और इसका जो ट्रॉफी रहेगा उसका नाम रहेगा द यूनिवर्स बॉस ट्रॉफी, क्रिस गेल के निकनेम पर। और अब खबर आ रही है कि कैरेबियन प्रीमियर लीग जो होता है उसमें क्रिस गेल
नहीं खेलेंगे बल्कि वह इस टूर्नामेंट की तैयारी करेंगे और इसमें अपना वक्त देंगे और इसे प्रमोट वगैरह करने में ध्यान देने वाले हैं। उनका कहना है कि वह क्रिकेट के ज्यादा से ज्यादा छोटे फॉर्मेट में खेलना चाहते हैं। चलिए देखते हैं अपना आठवां बड़ा अपडेट। दोस्तों, यह अपडेट निकल कर आ रहा है भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवें टेस्ट मुकाबले को लेकर। भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवा टेस्ट मुकाबला होने वाला है। उसका स्क्वाड अभी तक घोषित नहीं किया गया है क्योंकि रोहित शर्मा चोटिल हो गए थे और अभी यह कन्फर्म हो गया कि आज शाम को या तो फिर कल सुबह तक में बीसीसीआई आधिकारिक तरीके से भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवें टेस्ट मुकाबले का स्क्वाड घोषित करने वाले हैं। कौन कौन से खिलाड़ी खेलेंगे और कौन कप्तानी करेंगे, सारी जानकारी आने वाले 24 घंटे में आपको पता चल जाएगा। और क्या रहेगा स्क्वाड, सारी जानकारी सबसे पहले हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर देंगे, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएं। तो यात्री आज के क्रिकेट और आईपीएल को लेकर कुछ बड़े अपडेट्स। यात्री, आईपीएल तो कब का खत्म हो चुका है लेकिन आपको क्रिकेट से जुड़े हुए वीडियो हम आपको देते रहेंगे। तुम्हारे साथ बने रहे, मिलते हैं अपने अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।